आप सब लोगों ने हो पुनो पुनो सुना होगा, हमारे वीडियोस में देखा होगा हो पुनो पुनो। हम जब भी हो पुनो पुनो की बात करते हैं तो हमें डॉक्टर यूलेन ही याद आता है। ऑफ कोर्स वो भी है एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आज हम सुनेंगे, बट उसकी ओरिजिनेटर, हो पुनो पुनो की फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन थी? आपने कभी सुना है मोना सिमोना के बारे में? तो आज हम मोना सिमोना की स्टोरी देखते हैं। उससे पहले मैं हूँ डॉक्टर नीलम, हो पनो पनो सर्टिफाइड कोच एंड सर्टिफाइड हीलर। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे वीडियोस लेकर आऊँ जो आप घर बैठे अपना और दूसरों का, फैमिली फ्रेंड्स का, एक छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आप घर बैठे हील कर सकें विदाउट एनी अदर हेल्प, थर्ड पर्सन की हेल्प ना मिले आपको पड़े, और आप खुद ही खुद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें आसानी से, आराम से। तो हम सुनते हैं मोना सिमोना की एक इंस्पिरेशनल स्टोरी, जिसको सुनते से आपको लगेगा कि वाओ क्या तो वंडरफुल हो पनो पनो है, जिसका ओरिजिनल नाम है सेल्फ आइडेंटिफाई थ्रू हो पनो पनो। तो मोना सिमोना जो है वो बॉर्न हुई थी 19 मई 1913 में। जी हाँ, मई में ही बॉर्न हुई थी वो। होनोलुलु के शहर में हुई थी, हवाईयन में हुई थी। उनके पापा कीमो कियो, जो मोना की मदर थी वो है लीनिया सिमोना, जो कि लास्ट कहुना ऑफ डायनेस्टी थी, मींस लास्ट हिस्टोरिकल हीलर, जो लास्ट क्वीन ऑफ डायनेस्टी थी, हवाईयन डायनेस्टी की जो लास्ट क्वीन थी लिली। उन दोनों दोनों मिलके हीलिंग ट्रेडिशनल, जो हवाईयन ट्रेडिशनल मेडिसिन थी, उन्होंने अपने जीवन भर में वो दोनों मिलके ये ट्रेडिशन फॉलो करते थे, हीलर थी दोनों। उनके बाद आई मोना सिमोना, और मोना सिमोना का सबसे फैसिनेशन बात ये है कि एट द एज ऑफ 3 वो कहुना की उनको उपाधि मिल गई थी। मींस कहुना मींस का मींस एक लाइट, और हुना मींस एक डिवाइन सेक्रेट चीज। तो उनको हवाईयन में हीलर बोलते हैं, कहुना हीलर, सीक्रेट कीपर एंड हिस्टोरिकल हीलर, उसको हम बोलते हैं कहुना लपाऊ। तो वो तीन, एक छोटी 3 की उम्र में उन्होंने शुरू कर दिया था ये हीलिंग प्रोसेस। हवाईयन किंगडम में कहुना का बहुत एसेंशियल रोल रहता है। कहुना ऐसे ही किसी को उपाधि नहीं मिल जाती, कहुना उनको ही मिलती है जो हमारे इंटरनल स्पिरिचुअल, फिजिकल और एक्सटर्नल, लाइक पॉलिटिक, बिजनेस, और हमारे जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे काम करते हैं उसको हील करते हैं। उन्हीं लोगों को जो हार्मनी बना के रखते हैं, कुछ सम ग्रुप ऑफ पीपल से उन्होंने काम किया हुआ है, उन्हीं लोगों को हवाईयन किंगडम में कहुना कहा जाता है। बहुत सीक्रेट, बहुत डिवाइन विजडम जिनको होती है उन्हीं को ही कहा जाता है कहुना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहुना, जैसा कि मैंने कहा कि जो मोना सिमोना थी, उन्होंने एकमात्र बहुत अर्ली एज में, मतलब 3 साल की एज में उन्होंने कहुना की प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने अपने विजडम, उन्होंने अपनी एबिलिटीज जो उन्होंने सुना था अपनी मम्मी से, उसी के अनुसार उन्होंने एक लहर फैला दी। वहां पे उस टाइम वेस्टर्न कल्चर को लोग बहुत फॉलो करते थे, तो उनकी बात कोई सुनता नहीं था, पर फिर भी उन्होंने, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, तो एक क्रांति, एक लहर, एक वेव पैदा कर दी वहां पे, और सब उनको मॉडर्न कल्चर और हीलिंग दोनों की तरह से देखने लगे, और उनका नाम आज भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड है वहां पे। तो उन्होंने जैसे जैसे बड़ी हुई, उन्होंने अटेंड किया कैथोलिक स्कूल, जो कि बहुत स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे नंबर 1 स्कूल माना जाता था वहां पे। तो वहां पे उन्होंने एडगर कायस, जो उनके टीचर थे, उनके साथ उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी। वो बताती हैं कि मैंने पर्सनली इंडियन फिलॉसफी और चाइनीज के जो फिलॉसफी है उनपे बहुत पढ़ाई की है, और उनका मिला के जो मुझे एक हीलिंग प्रेयर नजर आई, वो मैंने एक मॉडर्न और एक सिंपल इजी वे में जो शुरू किया, जो कि सब सुन सके। और उनका ये कहना था कि मैं ऐसा प्रेयर लेकर आऊं जो कि मेल फीमेल, कुछ रिलीजन, कास्ट, इन सबसे परे हो, लोग अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकें, कोई थर्ड पर्सन के यहाँ भागना नहीं पड़े, किसी को कोई हेल्प की नीड ना पड़े, वो खुद दूसरों की और अपनी हेल्प फटाफट कर सकें। एक तो हवाईयन कम्युनिटी में एक ये इंपॉर्टेंट बात रहती थी
कि जो हमारे माइंड बॉडी स्पिरिट में जो चीजें चल रही हैं उसको पूरा ठीक करते थे वो लोग। एक तो हर्बल मेडिसिन, जो हर्बल मेडिसिन होती थी उससे ठीक करते थे, दूसरा मसाज करते थे जिसको हम लोमी लोमी करते थे, और तीसरा प्रेयर से, जो कि हो पुनो पुनो प्रेयर होती थी। तो मोरना सिमोना इन तीनों मेथड से हमारे जो माइंड बॉडी और स्पिरिट में चीजें चल रही होती थी, हमारा जो एक्सपीरियंस होते थे, उन तीनों को हील करके कहूँ ना बनी। वो कहती थी कि हो पुनो पुनो वो चीज है जो हर चीज के रूट कॉज पे वर्क करता है, रेक्टिफाई करता है, और मिस्टेक को बैलेंस, जो डिसहार्मोनी, जो इम्बैलेंस हो रहा है उसको ठीक करता है। तो रूट कॉज हमेशा हो पनो पनो से ही ठीक होगा। तो मोरना मोरना ने अपनी क्लासिकल हीलिंग टेक्निक जो अपनी मम्मी से सीखी थी, जो अपने एंसेस्टर्स से इम्बाइब की थी, उन्होंने वो मिला के और लोमी लोमी दैट इज मसाज करके लोगों को हील करना शुरू कर दिया। वो इतनी फेमस हो गई अपने लोमी लोमी से कि दूर दूर से यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, सब लोग, गोल्फ प्लेयर, वहां के लोग आने लगे, बड़े बड़े लोग आने लगे उनसे स्पा करवाने। और उन्होंने लगभग 10 साल तक रॉयल हवेली हवेयन होटल में काम किया। उनका जो मेन पर्पस था लोमी लोमी से, वो ये कहती थी कि जो माइंड बॉडी स्पिरिट से जो चीजें कनेक्ट होती हैं मैं उसको ठीक करती हूँ, उसको हील करती हूँ। तो वो बहुत सारे होटल में सुपरवाइजर रही, मोर देन 10 ईयर्स। रॉयल हवेयन होटल एंड कहाला होटल, इन दोनों पे उन्होंने बहुत 10 सालों तक सुपरवाइज किया और काम किया, जिसकी वजह से बहुत मेन मेन लोग, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट, गोल्फ प्लेयर्स, बहुत सारे लोग उनके पास आने लगे मसाज करवाने, स्पा करवाने। और उनका ये कहना था, उनके क्लाइंट्स ये कहते थे कि जब हम उनके रूम में एंटर करते थे वो चुप रहती थी, कुछ वुडन स्कल्पचर उनके हाथ में रहता था, कुछ बोलती नहीं थी वो, एंड हमें समझ में आता था कि वो ना बोल के हमें अंदर ही अंदर हील कर रही हैं, ताकि हमारा जो ये एनवायरमेंट है, प्लेस है, जो हम पर्सन है, थर्ड पर्सन, उनको पूरा हील कर सके माइंड बॉडी स्पिरिट के द्वारा। और वो उसी के अनुसार वैसे ही काम करती थी। और वो लोग कहते थे आफ्टर द मसाज ऐसा फील होता है कि कोई गिफ्ट मिल गया है, कोई ट्रेजर, कोई खजाना हमें मिल गया है, और हमारा जो बॉडी है, हमारे जो माइंड स्पिरिट बॉडी है, वो कंटिन्यूअस हील होती जा रही है, हील होती जा रही है। जब मोना से लोग पूछते थे कि आप कैसे हील कर लेते हैं, कैसे आप हारमोनी से सब चीजें के बैलेंस कर लेते थे, तो वो कहती थी हमेशा कि ये जो चीजें होती हैं, डिजीज, मतलब हम वी आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ ईज, हम कंफर्टेबल नहीं है, हम दूर भाग चुके हैं अपने ट्रू टैलेंट्स, हम अपने नेचर से दूर चले गए हैं, जिसकी वजह से हमें डिजीज हो रही है। तो वो कहती थी इन सारी चीजों को हारमोनी में लाने के लिए हमें रूट कॉज को ठीक करना पड़ेगा, जो कि हम ठीक कर सकते हैं हो पुनो पुनो के द्वारा। वो कहती थी कि होपनो का मतलब ही होता है टू करेक्ट अ मिस्टेक, टू रेक्टिफाई एन एरर इन द रूट कॉज। तो रूट कॉज को हम ठीक कर देंगे ना, तो सारी चीजें हमारी बैलेंस में आ जाएंगी, रिस्टोर कर देंगे हम डिसहार्मनी को, ठीक कर दें, हार्मनी में आ जाएंगे और हम बैलेंस कर पाएंगे। वो कहती थी होपनो बोनो का मतलब ही है कि टू रिस्टोर द बैलेंस। और उन्होंने एट द एज ऑफ 63, मोरना की जो ये हो पनो पनो प्रेयर थी वो परफेक्ट होना शुरू हुई। और उन्होंने इस प्रैक्टिस को इतना सिंपल और इजी वे में लॉन्च किया, उन्होंने वर्कशॉप्स लेना शुरू किया, और उन्होंने ये देखा अपने सारे जो उन्होंने पढ़ाई की थी, उन्होंने सब चीजों को देखा, उन्होंने कहा ऐसा मैं बनाती हूँ कि हमें थर्ड पार्टी की जरूरत ही ना पड़े। और आज वो इतना ब्यूटिफुल प्रेयर है, दैट इज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। वो ये कहती थी कि इस प्रेयर से हमारा जो डिवाइन कनेक्शन से हमारा जो टूट गया है, हम जो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो वापस से रिकनेक्ट होंगे। हम जो ओरिजिनल हम है, जो हम सेल्फ आइडेंटिफाई थ्रू होपनो पनो, जो हम भूल चुके हैं कि हम कौन हैं, हमारा डिवाइन कनेक्शन क्या है, वो इस सिंपल प्रेयर से रिकनेक्ट होंगे, रिकंसलेशन होगा इस प्रेयर से। वो कहती थी कि जो पास्ट की चीजें हैं, रिगार्डलेस ऑफ एनी टाइम,
कोई पिछले कर्म में जो हमने डेट्स किए हैं, जो चीजें हुई हैं, जो हमारे साथ पेनफुल मोमेंट्स हुए हैं, उसको ये हील कर देता है। वो बहुत अच्छी चीज बोलती थी, क्लीन इरेज इरेज एंड फाइंड योर ओन शंग्रीला वेयर विद इन योर सेल्फ। वो हमेशा ये कहती थी कि ये जो प्रोसेस है ये वर्क करता है, हमारी फ्रीडम देता है हमें, हमेशा हमें फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट एंड पास्ट एक्सपीरियंस। मोना को 1983 में हवाईयन स्ट्रेट ट्रेजर से नवाजा गया। जो मोना सिमोना थी उनकी लाइफ इजी नहीं थी, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स का फेस करना पड़ा। जैसे कि वो जैसे ही पैदा हुई थी उस टाइम बहुत हवाईयन कल्चर में बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन कल्चर को फॉलो करने का था, तो उनको कल्चर डिफरेंसेस डिस्क्रिमिनेट बहुत किया जाता था। हवाईयन हीलिंग्स और प्रेयर्स को लोग मानते नहीं थे, तो उसमें उनको बहुत प्रॉब्लम हुई। उसके बाद उनके 9 बच्चे थे और वो सिंगल मदर थी। उनका बहुत जल्दी डिवोर्स हो गया था और उनके एक बच्चे की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो उन्होंने काफी ज्यादा उनको बहुत ज्यादा उनको ट्रॉमा हुआ और उन्होंने ये सारे ट्रेडिशंस को ब्रेक करके सेल्फ आइडेंटिफाई थ्रू ओपनोपोनो उन्होंने इतना टायरलेसली वर्क किया और उन्होंने दूर दूर तक हीलिंग फॉरगिवनेस लोगों को हील किया फॉरगिवनेस रिकंसिलेशन के द्वारा। और आज वो देखिए ओपनोपोनो कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया है। तो आइए हम देखते हैं डॉक्टर यूलेन और मोना की मुलाकात कैसे हुई, उनका कोलैबोरेशन ने कैसे ओपनोपोनो प्रेयर में चार चांद लगा दिया। तो 1980 में मोना सिमोना एक आइलैंड पे, हवाईयन आइलैंड पे वर्कशॉप कंडक्ट कर रही थी, अपना वर्जन बता रही थी सेल्फ आइडेंटिफाई थ्रू ओपनोपोनो। और डॉक्टर यूलेन जो कि साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट एंड हीलर थे, तो वो भी उस वर्कशॉप में अटेंड करने आए थे। और जैसे ही उन्होंने पावर ऑफ ओपनोपोनो एंड अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन सुना, तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुए और उन्होंने ये सोच लिया कि मैं मोना का अच्छे से सीखूंगा, उनके साथ उनका स्टूडेंट बनूंगा, डीप स्टडी करूंगा इस ट्रांसफॉर्मेशन की, साइंस समझूंगा इसके ऊपर क्या है। और वो उनके स्टूडेंट बने, उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग से अपना ओपनोपोनो प्रेयर जो है यूज किया, उन्होंने अपनी स्टडीज यूज की। और मोना जो उन्होंने फाउंडेशन रखा था ओपनोपोनो का, और डॉक्टर यूलेन ने एक एक्सपेंशन किया, पॉपुलरिटी की, उन्होंने भी वर्कशॉप्स लेना शुरू किया और उन्होंने मोना जी से प्रॉमिस किया मैं अब इसको बहुत आगे बढ़ाऊंगा, आपके इस प्रोजेक्ट को मैं लेके जाऊंगा। और आज देखिए कि मिलियंस लोगों वर्ल्ड वाइड लोगों तक ये काम हो रहा है, उनकी कितने लाइफ्स उन्होंने चेंज की हैं डॉक्टर यूलेन ने। उन्होंने हर चीज को ये सिखाया कि हम रिस्पॉन्सिबल लें अपनी चीजों को, हमारे जो एक्सपीरियंस में है रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, एम्प्रेस करें, हम लव एंड ग्रेटिट्यूड फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करें और ओपनोपोनो की प्रैक्टिस से हम ये सारी चीजें एक साथ कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि उनके कोलैबोरेशन ने कैसे एक पावरफुल टूल की रचना की और कितने वर्ल्ड वाइड तक डॉक्टर यूलेन ने पहुंचा दिया। और आगे तो आपको पता ही है कि डॉक्टर यूलेन ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया और कितना मैजिकली ट्रीट किया एक मेंटल असाइलम के पेशेंट्स को। अपने इंटरव्यू में मोना जी ये बताती थी कि हम अपील कर सकते हैं डिविनिटी से, जो कि हमारे पास्ट पर्सनल ब्लूप्रिंट सब जानते हैं कि हमारे थॉट्स, हमारे डीज, हमारे पास्ट में एक्सपीरियंस क्या रहा है, और उसको हम डिविनिटी से अपील करके हील कर सकते हैं। वो कहती थी इस ये टाइम है हमारा ट्रेडिशनल जो प्रेयर है उससे बियॉन्ड जाने का और हमें खुद को हील करने का, ताकि हमें थर्ड पार्टी की जरूरत ही ना पड़े। वो ये कहती थी कि आज हम जो कुछ भी हैं वो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस मेमोरीज, जो हमारे साथ पास्ट डेट्स हुए हैं, थॉट्स, जो हमारा नॉलेज था, हमारी मेमोरीज थी, हम उसी के अनुसार ही हैं। तो ओपनोपोनो से हमारा रिकनेक्शन होता है ट्रू सेल्फ से और डिवाइन सेल्फ से। तो वो कहती थी कि हम अपील कर सकते हैं डिविनिटी से कि हमारा ये हील करे, और जो कि हमें होल्डिंग, हमें जो पीछे धकेल रहा है, जो हमारी चीजें आज हो रही हैं, वो सब इनसाइड है, नथिंग इज आउटसाइड। जो हम आज फील कर रहे हैं वो सब कुछ हमारे अंदर में है, हमारे इनर चाइल्ड, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है। तो वो कहती थी इससे
हम अपने सारे माइंड्स को हील कर सकते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, हमारे जो फैमिली, हमारे एंसेस्टर्स, पास्ट एक्सपीरियंस, जो भी हमारे बिलीव्स बने हुए हैं, उन सबको हम ठीक कर सकते हैं होपनोपनो के द्वारा। वो 1992 में अपने फ्रेंड के घर गई थी जर्मनी में, और वो अपना क्लास लेने गई थी, और वो जब सो रही थी रात में, तभी उन्होंने रात में अपने बेड पे, उन्होंने 11 फरवरी 1992 में अपना शरीर त्याग गया, और हमें कैसे फ्रीडम दिला के गई, फ्रीडम फ्रॉम पास्ट, फ्रीडम फ्रॉम एनी बैड पेनफुल मेमोरीज। तो ये था होपोनोपोनो, फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट। हमेशा ये कहती थी, क्लीन, इरेज इरेज एंड फाइंड योर ओन शंग्रीला, वेयर इनसाइड विद इन योर सेल्फ। हमेशा सब चीजें हमारे अंदर हैं, हमें फ्रीडम पाना है थ्रू होपोनोपोनो। तो ये थी मोना सिमोना की ब्यूटीफुल स्टोरी, एंड डॉक्टर यूलेन और मोना जी का कोलेबोरेशन, उनके चार चांद लगाने का, पूरी लाइफ उनकी स्टोरी। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी ये सुन के मोना सिमोना की। नेक्स्ट वीडियो में हम मोना सिमोना का ओरिजिनल होपोनोपोनो प्रेयर लेकर आएंगे, वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो होपोनोपोनो प्रैक्टिस करते हैं, उनको पूरी हिस्ट्री जाननी है, मोना सिमोना की हिस्ट्री जाननी है, उनकी लाइफ बायोग्राफी के बारे में जानना है। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच।